इतना बुरा लगा है कि जब कोई कहता है कि सिर्फ आप एक यूट्यूबर ही तो हैं, और हैं ही क्या, आपके जो सब्सक्राइबर्स होते हैं, जो फॉलोवर्स होते हैं, वो जस्ट एक नंबर ही तो है। अगर आप लोगों को आपके दिमागों की नसें जो हैं उनमें दर्द करवाना है या ब्लास्ट करवानी है या ऐसा लगे कि आपके नसों में गांठें पड़ गई है, तो बिग बॉस जरूर देख लेना इस बार का। मैं आज यहाँ पे किसी को रोस्ट करने नहीं बैठी हूँ, बस मैं ये चीज़ बताना चाहती हूँ कि कुछ भी बातें किसी भी चीज़ को लेके जब कही जाती हैं और वो एक पूरे यू नो कम्युनिटी को टारगेट किया जाता है, तो वो एक बहुत ख़राब बात होती है। लाइक बिग बॉस में अभी इस समय जो भी चल रहा है वो तो आप सभी को पता ही है कि क्या चल रहा है, और ऐसा भी लगता है कि क्यों चल रहा है बिग बॉस, इसको तो पहले ही दिन बंद हो जाना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पर किसी एक टीवी एक्टर ने एक यूट्यूबर के लिए ये कहा है कि लाइक है तो वो सिर्फ एक यूट्यूबर, उसके जो सब्सक्राइबर्स हैं, जो फॉलोवर्स हैं, वो जस्ट एक नंबर ही तो है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर हम यूट्यूबर्स की कोई वैल्यू नहीं है, कुछ भी नहीं है, हालांकि मैं तो इतनी बड़ी यूट्यूबर भी नहीं हूँ, मेरा जस्ट अभी अभी यू नो स्टार्ट हुआ है चैनल, लेकिन जो मेरे से भी पहले बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स इस प्लेटफॉर्म पे हैं, तो उन सब के बिहाफ पे बोलना चाहती हूँ मैं कि यूट्यूबर होना कोई बुरी बात नहीं होती है। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि यूट्यूबर्स मेहनत नहीं करते हैं, बहुत मेहनत लगती है भाई, बहुत मेहनत लगती है। हम भी बोल सकते हैं आप हैं ही क्या, एक टीवी एक्टर हैं, अगर हम जैसी जनता ना देखे आपको या आपके टीवी सीरियल्स को, तो आप हैं ही क्या, आपने क्या ऐसा हासिल किया है जिसके लिए लोग आपको पहचाने। तो ये चीज़ों को ज़रा सा ध्यान में रख के बोलना चाहिए सभी लोगों को। अगर ऐसी ही बात है तो यूट्यूबर्स एटलीस्ट बहुत मेहनत करते हैं, बहुत काम करते हैं, तब जाके अपने चैनल को वो ग्रो कर पाते हैं, तब जाके उनको इतने सब्सक्राइबर्स मिल पाते हैं। आप लोग क्या करते हैं टीवी सीरियल्स में, आप नागिन बनते हैं, बिच्छू बनते हैं, चमगादड़ बनते हैं, चांद तोड़ रहे हैं, आप इसको मेहनत बोलते हैं? सिर्फ आप इफ़ेक्ट्स लगा देते हैं, आपका सीरियल बन के तैयार हो जाता है, तो आपको लगता है कि आपने बहुत बड़ी एक जगह हासिल कर ली है। अगर वो हासिल भी किया ना, तो हम जैसी जनता की वजह से। मैं बात कर रही हूँ अभिषेक की, जो कि एक बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, मेरे बच्चे भी उनकी वीडियोस देखते हैं। लाइक बच्चे देखते हैं तो आप समझ ही सकते हैं कि वो किस तरह की वीडियो बनाते हैं, जिसको बच्चे भी देख सकते हैं। ठीक है, तो पता नहीं क्यों अननेसेसरी बहुत ज़्यादा अभिषेक को यू नो बुली किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा ही उसको नेगेटिव दिखाया जा रहा है, तो ये चीज़ें गलत है। अगर वो किसी से बात करने की भी कोशिश करते हैं तो उनकी अपब्रिंगिंग पे क्वेश्चन करने लग जाते हैं, परवरिश पे क्वेश्चन करने लग जाते हैं, वो रिटर्न में कुछ बोलते हैं तो फिर ये लगता है कि आप बदतमीज़ी कर रहे हैं। तो सब कुछ अभिषेक ही कर रहा है गलत, और कोई कुछ गलत नहीं कर रहा है पूरे बिग बॉस में, तो ये चीज़ गलत है। जस्ट वो एक यूट्यूबर है, तो इट मीन्स कि बस उनको ही सबने एक तरफ से उस मतलब उनको भी और दो तीन लोग हैं जो सपोर्ट करते हैं, लेकिन आप सभी एक घर में हैं, एक ओहदे से आप आए हैं, कोई बड़ा छोटा होकर नहीं आया है। ठीक है, या तो फिर बिग बॉस को ही सबसे पहले ऐसे ही चूज़ करने चाहिए कंटेस्टेंट जो कि एक उम्र के हों, हम उम्र हों। ठीक है, बहुत ज़्यादा गैप वाले ना ही रखें तो बेटर है, नहीं तो बात आ जाती है कि आप किसी की यू नो डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। तो ये बोलने में बहुत आसान लगता है कि आपने मेरी बेइज्जती कर दी, आप मुझे डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, लेकिन 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 अगर एक लड़की किसी लड़के को उल्टा सीधा बोल दे तो वो चलता है, लेकिन अगर एक लड़का अपने डिफेंस में उस लड़की को जवाब दे दे तो वहाँ वो लड़का ही गलत है। हर समय ऐसा नहीं होता, बहुत सी जगह पर लड़कियाँ भी गलत होती हैं। तो फ्रेंड्स, मैं बस यहाँ पे यही बताना चाहती हूँ कि इस तरीके की जो नॉमिनेशंस इस बार हुई हैं कि फुकरा इंसान को नॉमिनेट कर दिया है, अनुष्का आकांक्षा है शायद, हाँ जो भी नाम है उनका मुझे ध्यान नहीं है, जिनको भी किसी भी वजह से यू नो नॉमिनेट कर दिया है, तो ऐसे नॉमिनेशंस तो बहुत होते रहेंगे इसमें, और बार बार अभिषेक को ही टारगेट किया जाएगा। तो जैसे कि मैंने आपको दिखाया है स्क्रीन पे कि आप लोग वोट कीजिए फुकरा इंसान को, ताकि
उनको यू नो वोटिंग्स अच्छी मिल सके, वैसे तो बहुत अच्छी मिलेंगी क्योंकि उनके फॉलोवर्स हैं ही इतने ज़्यादा कि किसी और की वोटिंग की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी हम उनको देखते हैं, उनके वीडियोस देखते हैं, तो इस वजह से हमें थोड़ा बुरा लगता है कि लाइक एक ही इंसान को इतना टारगेट नहीं करना चाहिए। बाकी तो सबकी अपनी अपनी मर्ज़ी है। यहाँ ये वीडियो मैंने किसी को हर्ट करने के लिए नहीं बनाई है, ना किसी को कुछ गलत पोर्ट्रेट कर रही हूँ, लेकिन हाँ जो चीज़ें गलत हैं वो गलत हैं। आप किसी एक इंसान को ही हर समय गलत नहीं ठहरा सकते, तो वोट फॉर फुकरा इंसान। इन सब चीज़ों को लेके आप लोगों की राय क्या है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।